अब आप निकालिए चौथा आप ये जो खड़े हुए हैं, ये जो खड़े हुए हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो ये पर्चा मैं बना के लेकर आया, वो आपसे ले लूं अभी ले लूं, प्रॉब्लम क्या होनी, आपका काम है करिए ना, नहीं मैंने यही रख दिया, आपका काम है आपको करना चाहिए, आप सबकी नजरों में रख रहा हूं, आपका काम है वो आपको करना चाहिए। अब मैं चाहती हूं कि इनका जो पर्चा है बड़े भाई का, बड़े भाई का, हां ठीक, इनका पर्चा आप निकालिए, बड़े भाई आयुषी माइक इनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए बड़े भाई को। क्या आपके पिताजी का नाम सुलेमान है? जी। बोले बालाजी सरकार की। अरे जोर से तो हो जाए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आगे, आगे। जय श्री राम। क्या आप राजनीति में बीडीसी सदस्य हैं? जी। आपने मुझे बताया तो नहीं, मिले तो नहीं, लेकिन जनाधिकार पार्टी से मैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हूँ। वेरी गुड। कौन सी पार्टी से? जनाधिकार पार्टी से। जनाधिकार पार्टी से। ठीक, अच्छा, राजनीति युवा मोर्चा के। मैंने क्या क्या लिखा है? पिता का जो व्यक्ति आएंगे वो उनका पिताजी का नाम सुलेमान होगा, बीडीसी सदस्य सुलेमान साहब। हाँ, राजनीति में जाना चाहते हैं जाएंगे, मेहनत करें, राजनीति सीखें, समाज का कल्याण करें, और हनुमान जी को मानते भी होंगे, मानते हैं कि नहीं एक बात बता। जी मानते हैं। अब मुझे ये पर्चा आप दे देंगे, मैं दर्शकों को दिखा दूं जरा एक बार। क्यों नहीं दूंगा, आप पर्चा ही ले लीजिए। ये क्या नाम है आपका? अब ये तो नसीम पर्चा है पहले, जो पर्चा हम दिखा। नदीम खान। नसीम साह। दोबारा से बताएंगे प्लीज। नसीम साह। नसीम साह। नसीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमीरपुर महोबा के। जी। यहाँ कैसे आए आप हमारे शो में? आपके शो में आया, हमारे नेताजी आदरणीय दिनेश अवाना जी उनके साथ में आया हूँ। अच्छा जी। तो अवाना जी, अवाना जी आपको किसने आमंत्रित किया? आपकी टीम ने, किसी ने किया हुआ या मेरे से मिले? अब आ जाइए प्लीज, आप मतलब दर्शकों के मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, आप आइए प्लीज, आ जाइए प्लीज। क्या करते हैं आप? कार चलाते हैं जी। अच्छा, और बीडीसी सदस्य भी हैं जी। बीडीसी सदस्य कहाँ? हमीरपुर में है। हमीरपुर में। कार कहाँ चलाते हैं? नोएडा में। नोएडा में कार चलाते जी। तो आप कैसे वहाँ पे बीडीसी सदस्य हैं जो यहाँ पे कार चला रहे हैं? वो तो उस टाइम पे मैं घर पे था ना, चुनाव बन गए जी। माइक दे दीजिए। हाँ जी, जी, जी ये आपके साथ आए, ये हो सकता है कुछ लोगों के जहन में सवाल हो कि आप तो महाराज जी के आदमी होंगे, आपको हमने बुलाया है, या आप कैसे आए स्टूडियो में, कैसे आए? मैंने देखा कि महाराज जी आजकल टीवीयों पे जा रहे हैं, तो मैं अभी बाहर से निकला हुआ जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि महाराज जी आए हैं, मैं इनके गाड़ी। ऐसे तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आपको गार्ड रोकेगा, ऐसे हमारी बिल्डिंग में कोई घुस ही नहीं सकता, आपने किसी से तो संपर्क किया होगा, ऐसे आप किसी सर, आप ऐसे कैसे किसी दफ्तर में घुस सकते हैं, संभव ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप इनकी गाड़ी के साथ साथ लगे और फिर आप हमारे दफ्तर में आ गए, मतलब आप इन्हीं के साथ आए? इन्हीं के साथ आए हैं। तो कहाँ मुलाकात हुई थी सबसे पहले इनसे आपकी? इनकी मुलाकात बाहर से, मैं MIT से निकला हुआ जा रहा था तो वहाँ से निकले हुए आ रहे थे। आपने इनकी गाड़ी पहचान ली और आप इनके साथ बैठे हुए थे, दिख रहे थे। अवाना जी आपकी बात हजम नहीं हो सकती किसी को, बैठे हुए आप ऐसे हमारे दफ्तर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। आप किसी काम से जा रहे होंगे तो आप अपना काम छोड़ के आप इनके साथ आ गए? काम मेरा हो गया था। देखिए आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं दोस्त, सच सच बोलिए, सच सच बताइए। अवाना जी कोई दिक्कत नहीं, आप कंटामिनेटेड, आप पहले से इनके साथ जुड़े हुए तो भी बता दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं चीज से मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे आप सच बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं, आप बताइए, आप इनके स्टूडियो में आ गए, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, आपको ये कोइंसिडेंटली या इन्होंने किसी को अमेरिका वाईफाई ऑन हुआ, आप आ गए की चर्चा सुनने के लिए? नेशनल न्यूज़, आप ये आप मजाक कैसे कर सकते हैं यार? यहाँ पे सीरियस बच्चे बैठे हुए हैं, वो मेंटलिस्ट कह रहे हैं कि वो ट्रिक करते हैं, इसलिए एक मिनट, वो ट्रिक करते हैं, और आप यहाँ पे मखौल बनाने आ गए हैं यार इनके साथ, और आप इनको ले आए हैं, आप नहीं आए, आपकी टीम ले आई है। देखिए यही फ्रॉड होता है जो वो कह रहे हैं, पाखंड है, यही पाखंड है, और पाखंड की कोई डेफिनेशन नहीं है। जब आप इस तरह के लोग लाते हैं, मेरा एक प्रश्न है न्यूज नेशन की टीम से, हम लोग जब आते हैं, जब आप हमें इनवाइट करते हैं तो हमें गार्ड पूछता है कि बिल्कुल पूछते हैं आपको कैसे बुलाया गया, आपको गार्ड उस फ्लोर पर छोड़ कर जाते हैं जब तक ऊपर से फोन नहीं जाता, या हम ये नहीं कहते अब ये समझे, हम कैसे आप ये समझे हमारी कई अवाना जी, अवाना जी फिर हम आपको मौका दे रहे हैं। देखिए इस वक्त आपको आप बताइएगा मुझे, आप बताइए इस वक्त कैसे टीवी पर आपको पूरा देश आपकी सिक्योरिटी चेक, जो भी सच है वो आप बताइए। एक मिनट, माइक आप इनको दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग निकले हुए जा रहे हैं,
और वो पीछे जो मुझे मुझे एक मिनट लगेगा सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मुझे एक मिनट लगेगा सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में। अभी यहाँ पर चल जाएगा, एक मिनट हमारे सीसीटीवी में है अवाना जी कि आप इनके साथ बैठे हुए थे। और आप ये बताइए, आप जब गाड़ी अंदर ला रहे थे तो सिक्योरिटी ने चेक किया आपको? माइक दीजिए नसीम जी को, माइक दीजिए जरा। और आप कह रहे हैं इनके साथ बैठे हुए थे? इनकी गाड़ी के साथ में थे इसलिए। इनकी गाड़ी के साथ में ही हम लोग पीछे आए हैं। अच्छा, दो मिनट सब रुकिएगा, एक मिनट शांत रहिएगा सब लोग, एक मिनट शांत रहिएगा। आप मुझे बताइए अवध सरकार, जब ये आपसे मिले नहीं है तो आपने इन्हें अपने काफिले के साथ साथ कैसे लगा लिया और आप कैसे अंदर ले आए? मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, जैसे अगली बार भी यहाँ जैसे मेरे आश्रम में कोई फोन करता है, और मैं कल न्यूज में था, एक न्यूज में था, नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो अभी विषय ये है कि मेरे साथ ये आए हैं और ये आए, राइट? तो विषय यह है कि मैंने ना तो आपसे कुछ पूछा। अरे अरे प्रभु, जब वो आए आपके साथ है, तो पूछने की बात कहाँ रह गई? पहुंचे कैसे, पहले ये बताइए। मतलब जो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उस बात को समझिए। आप अपने डॉक्टर कक्कड़ और जो गुरुमा है वो कह रही है कि आप अपने आदमी को साथ ला रहे हैं, उन्हीं का पर्चा निकाल रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर कक्कड़ की और दीदी की बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे गाड़ी के साथ आए हैं। आपके साथ आए, आपके साथ आए, अंतर है शब्दों में, अंतर आपके साथ आएंगे। ओके, हमारे पास सीसीटीवी है, अगर आप ये नहीं मान रहे, सुनिए, गेस्ट रूम में बकायदा आपके साथ बैठे थे, हमें बता दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 अगर हम अगर जो दलील दे रहे हैं यहाँ पर अवाना साहब, इनको गलत साबित करते हैं तथ्यों के आधार पर, हम सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं, आप समझिए उसका कितना नेगेटिव मैसेज जाएगा आपकी छवि पर। ये एक्सपोज नहीं होंगे, आप एक्सपोज होंगे। अरे भैया, जो सच है उसको बताइए। एक्सपोज हो गए? अरे भैया, हम कहीं एक्सपोज नहीं थे, ना रहेंगे। अरे आप डिल्यूशनल हो, अरे हम आदमी जो डिनाई करते सरकार, अरे आपका झूठ पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ा गया। और अवाना जी सच बोलेंगे? अरे दीदी, आप इनके साथ आए थे, आप इनके साथ बैठे थे। आप एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर मिले, मैं जो पूछ रहा हूँ, आप इन्हीं के साथ आए थे, आप इन्हीं के साथ बैठे थे कमरे में, आप अवध सरकार के साथ ही आए, आप अवध सरकार के साथ गाड़ी में आए, आप उन्हीं के साथ बैठे, आप यहाँ पर बैठे हुए, आप कह रहे हम मिले नहीं कभी, झूठ तो मत बोलिए। वो क्या कर, सुन लीजिए, गाड़ी में आए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ड्राइवर साहब से बात हो रही है? आपका फोन पर स्टेटस भी लगा हुआ था, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, मीडिया चैनल में बैठे, एक एक चीज पे नजर है हमारी। यार दीदी, एक मिनट, वो हो गया क्या? मैंने इन भाई साहब स्टेटस लगाया तो इनसे कुछ पूछा क्या? अरे, अरे, अरे ये आपका आदमी है प्रभु, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बता सकते हैं? अरे यार, वही वाली बात। अच्छा, मैं बताऊं? महाराज सुनो, ठीक है, ओके, मेरे साथ आए, ओके, एक मिनट, मैं आपके साथ हूँ, सुनिए, मैं बताती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, छोड़ दीजिए सबको, बना दीजिए उन दो लड़कियों का पर्चा। हाँ बिल्कुल, एक मिनट देखिए, अब आयुषी बहन तो नहीं मिली? नहीं, आयुषी पर बाद में आएंगे, अभी स्थिति थोड़ा साफ होने दीजिए, अभी तक स्थिति साफ ही नहीं हो रही है। अवध सरकार, वो नहीं बना सकते। ये चमत्कार का लाइव टेस्ट इसीलिए है, आप उस आदमी का पर्चा निकाल रहे हैं जो आदमी आपके साथ आता है, exactly. वो आदमी आपकी टीम का हिस्सा है, वो आदमी आपकी गाड़ी चला रहा है, वो आदमी आपके साथ बैठ रहा है, हमें 10 सेकंड लगेंगे सीसीटीवी निकालने में। अरे भैया, आप समझिए जरा, लेकिन आपने भगवा धारण किया हुआ है, ये सवाल आपके ऊपर नहीं होगा, ये सनातन के ऊपर होगा। सीसीटीवी हम आपको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। अरे हमें, अरे पूछा, 100% पूछा, कंटेमिनेटेड है, आपने पूछा, आपके इन लोगों ने पूछा है, उन्होंने आपको बता दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? आप इनमें से किसी का भी एक दो लोगों का बना दीजिए, आपके पास पावर ही नहीं है, जितनी पावर आपके पास है उतनी मेरे पास है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्रवचन वगैरह दी। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए, हो गया, ठीक है, आप मुझे बताइए, आप बताइए, माइक लीजिए, माइक लीजिए नसीर जी, ओके, अब आप बताइए क्या बातचीत, सच बताइएगा इस वक्त, आपको पूरा देश देख रहा है। मेरी गुरुजी से कोई बातचीत नहीं हुई है? कभी नहीं हुई? नहीं, पहली बार यही मिले स्टूडियो में आके। एक बात बताऊं, बात धर्म की हो रही है, धर्म कोई भी हो पाक साफ है, बिल्कुल, तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं मिला हूं।
गुरुजी से आज ही मिला हूं। मुझे यहां कोई शोर नहीं मचाना, आप बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। वो बीटीसी के सदस्य हैं, नेता बनना है उनको। बताइए बताइए, आप 7th फ्लोर पे साथ में नजर आ रहे थे इनके? हां तो आए हम, हमें पहले भी पता, हम बहन जी के साथ भी आए। कैसे पता चल गया आपको? सर मैं पहले भी आया हूं। अरे बाप, महाराज यहां पर हैं, महाराज के साथ आपकी गाड़ी कैसे आ गई? आप कितने पीछे से इनको फॉलो कर रहे हैं? तीसरी गाड़ी में। कौन तीसरी गाड़ी थी आपकी? क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का 7698 UP16। कहाँ का 76 नंबर है? UP16। UP16 यहीं की गाड़ी है? हाँ। गाड़ी यहीं चलाते हैं आप? यहीं चलाते। महाराज जी के संपर्क में पहली बार यहाँ पर आए? पहली बार। और आप सीधे कमरे में आके बैठ गए महाराज जी के साथ? सर के साथ आए। सर के साथ आए। अवाना जी आप बताइए, आप जो है मेरी बात सुनिए, हम लोग बाहर मुलाकात हुई और हमने कहा कि आप अंदर जा रहे हैं तो हम लोग साथ में आए महाराज जी के। इससे ज्यादा जो है कि कब आए कब गए, आप कहां से आए, कौन सी गाड़ी आप चला रहे हो, अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा। पर्चा बनवाया आप सनातन के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सनातन को मानते हैं, हाथ में कलावा बांध रखा है, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप पहली बार महाराज जी से आज मिले 2 बजे स्टूडियो में, दिल पर हाथ रख के बोलिए। अगर आप कर्मों में यकीन रखते हैं तो आप सच बोलिएगा। और दूसरी बात, अवाना जी सच बोलिएगा, बाहर मुलाकात, कर्मों में यकीन रखते हैं तो सच बोलिएगा। बस आप सनातन के नाम पर झूठ मत बोलिए। यहाँ आने के लिए हमने बोला, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमने बाहर देखा इनको, बाहर देखा, फिर गाड़ी लगा ली पीछे। भैया यही तो बोल रहे, बाहर देखा, इनके साथ आए हैं। 1000 गाड़ियों में इनकी गाड़ी पहचान ली आपने? क्या नंबर है इनकी गाड़ी? आप कहीं जा रहे हैं, आप कितने भी लोग होंगे, किसी को भी ले जाएंगे? ऐसा है अपनी गाड़ी और पर्ची भी उन्हीं के निकालेंगे, और सिक्योरिटी छोड़ ही नहीं सकते। हम आपकी गाड़ी में आते हैं, हमारा पर्चा पूछते हैं, हमको लगता है ये क्या गड़बड़ हो रहा है। मजाक देखिए, पर्ची भी उन्हीं के निकाल रहे हैं। कि वो इनकी गाड़ी में बैठ कर आए हैं, वो इनकी गाड़ी में बैठ कर आए और आप देखो पर्ची भी उन्हीं की निकाल रहे हैं। महाराज जी आपके सामने कह रहे हैं कि आप उनकी गाड़ी में बैठ कर बोल रहे हैं, फिर भी झूठ मत बोलिए। सनातन पर चर्चा है, धर्म पर अगर थोड़ा भी यकीन है भैया, बाहर मिले महाराज जी के, आपकी गाड़ी में बैठ गए, आप इनकी गाड़ी में बैठ गए तुरंत। बताइए, सोचिए जरा। अरे यार आपने, अरे तो आप करना, मैंने तो पर्चा बनाया है ना, और पर्चा भी आपने इन्हीं का बनाया, इनका नहीं बनाया, कैमिनेटेड है इनका। अरे वो जो वो तो उसके साथ तो नहीं पूछा है ना। अरे यार क्या बातें कर रहे हो यार, ये यहाँ पे देखो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम भी ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये वो लोग नहीं है जिनको आप बरकरार रखते हो। और ये सनातन, ये सब बंद करो लोग यार, पहले भी मैंने बोला था, मैंने दो पर्चा नहीं करो, दो पर्चा बना दिए, अरे दो क्या पर्चा बना दिए, वो 100% बना दिए सरकार, दो पर्चा कहाँ रॉन्ग था पर्चा। एक मिनट, ये मेरे पास एक वीडियो है, ये देख जरा दिखाइए पयोधी जी, ये देख लीजिए, दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये कल स्टेटस पर लगा हुआ था, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। एक मिनट अभी रुक जाइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मना कब कर रहे हैं हम। ये देख लीजिए आप इनके, ये अवाना जी आप ही हैं, माला पहना रहे हैं आप महाराज जी। मैं ये अचानक से आपको दरवाजे पर मिल गए, आपने पीछे से गाड़ी लगा ली, आप अंदर घुस आए, आप साथ गाड़ी में बैठ गए, आप 7th फ्लोर पर बैठ गए, आप स्टूडियो में बैठ गए। महाराज झूठ मत बोलिए, हम लोग ये बोल रहे हैं कि आज हम लोगों की मुलाकात बाहर हुई और महाराज जी के साथ आए हैं। धर्म के नाम पर झूठ मत बोलिए, माला पहना रहे हैं और आज वही वाली बात, आप बात कर रहे हो कि आज हम लोग मिले हैं यहाँ आए महाराज जी के साथ। मिस्टर कपिल एक मिनट मुझे ये बताइए, सरकार आपने उनसे अभी तक बात नहीं की, आपने कहा ना आप उन्हें पहचानते तो थे, आप यहां जब पर्चा बना रहे थे तो आप बोल रहे, आपने कहा कि इस भीड़ में कोई एक मुस्लिम है, कोई एक मुस्लिम है और कोई पुरुष है। एक नहीं कहा, मुस्लिम है कोई, अरे नहीं, अगर आपने कहा कि मुस्लिम पूरी है, पूरी बात रिकॉर्ड भी, आप जानते ही हैं कि ये नसीम खान है तो पहले बोल देते कि मैं नसीम खान का पर्चा निकालूंगा जो मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर आया है। ऐसे तो फिर ये तो ड्रामा हुआ ना महाराज, उनका उनका मैजिक चमत्कार नाटक है और आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है, ये तो गलत हुआ ना। आस्था के साथ नसीम खान जो आपकी गाड़ी में बैठ कर आया, आप कह रहे हैं कि कोई एक मुसलमान है उसका पर्चा निकालूंगा, नसीम खान आपके साथ रहता है। आपसे बेटर है वो बच्चे जो अपने मैजिक और अपनी विद्या के आधार पर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। सच तो बोल रहे हैं, आप कौन से कपड़े पहन के आप क्या मजाक कर रहे हैं इतने लोगों के सामने? जी बिल्कुल बोलिए, जी सॉरी बोलिए, जी बिल्कुल, क्या जी बिल्कुल, जी बिल्कुल से काम नहीं चलेगा। सरकार आपको ये मामला बहुत संवेदनशील है, जब बच्ची वहाँ पर अपनी पर्ची बनवाने आई तो आप नाराज हो गए थे कि हंसी ठिठोली मत करो, क्योंकि मैं इस वक्त मेरा वाईफाई कनेक्शन, माफी मांगो, देखा माफी मांगे महाराज जी, वेरी गुड, एक बार दोबारा कहिए जरा, वेरी गुड,
का काम है। आप सुन लीजिए डॉक्टर कक्कर, डॉक्टर कक्कर सुन लीजिए, अवध सरकार इसीलिए आज इस देश का युवा सनातन पर विश्वास नहीं करता। आज जैसे लोगों की वजह से ये बच्चे धर्म विमुख होते जा रहे हैं, ये धर्म से जुड़ते नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। महाराज ये पर्चा जब मेरा महाराज जी ने पढ़ा था, मिस्टर अवधेश सरकार जी ने पढ़ा था, तो उससे भी पहले मैंने बना के यहाँ रख दिया था आपको बोल के पीछे जा रहा हूँ। हाँ। अभी बाद में ना बोले ये वहां बैठकर बनाया। मैंने क्या लिखा इनके बारे में कि ये मेरे पर्चे में क्या लिखेंगे, वो मैं पहले से ही लिख कर लेकर आया हूँ। पंडित जी आप एक बारी पढ़कर बताइए इन्होंने क्या। अच्छी बात है। मैंने क्या लिखा कि ये मेरे पर्चे में क्या लिखेंगे वो लिखा मैंने। आपकी विद्या बताइए पढ़कर, आप पढ़कर बताइए। आप मेरे पिता का नाम, मेरी बहन, नया घर, मेरे बच्चों के बारे में बताएंगे जो कि नहीं बताया। आप मेरे नए आगे मुझे समझ, नए घर के बारे में बताएंगे, नए निवास स्थान के बारे में बताएंगे, ये मुझे पता है। और यही सब बताया इन्होंने, और ये सारा गूगल पे अवेलेबल है, ये पर्चा पहले ही बना हुआ है। और आप अपनी टीम लेके आते हो उनको इन बच्चों के साथ क्राउड में बिठा रहे हैं, यार क्या बात कर रहे हैं, किसी और का पर्चा बना नहीं सकते महाराज जी। और अवध सरकार, और हरे रामा करते हैं भगवान के साथ। अवध सरकार, ये जो आपने किया है इसको अपराध कहते हैं सनातन की भाषा। अच्छा। में आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? पाखंड है ये, पाखंड है। बोलिए सब एवरीवन, मैं डे वन से अवध सरकार, अवध सरकार, मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि माफी मांगने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये जो आपने किया है वो तुषार कह रहे हैं कि पाखंड है, माफी मांगे, पास चाबी है? हाँ चाबी है मेरे पास। तुषार बस एक मिनट, तुषार एक मिनट बस के, अवध सरकार माफी मांगेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।